नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 के रिवीजन सीरीज में। और आज हमारा रिवीजन सीरीज का पार्ट 7 है। इसके पहले पार्ट 6 तक हमने पढ़ा जो हमारी वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आज पार्ट 7 में हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जितने भी सवाल बनने की आशंका है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में आने की, जितनी भी संभावनाएं, उन सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के वीडियो आपने मिस किए हैं या आपने नहीं देखे हैं कि किसी कारणवश, तो जरूर देख ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सारे ही सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल है, हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुड़िक था? और दोस्तों, हमारे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर को गेस कर सकते हैं या कमेंट करके भी अपना उत्तर जांच सकते हैं। आप अपनी जो भी तैयारी है उसको यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुड़िक था, बिंबसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में यदि हम कालचक्र की बात करते हैं तो इसका कालक्रम रहा 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश पे इसने शासक किया। हर्यक वंश का था ये, मगध साम्राज्य का ये द्वितीय राजा था। इसके पहले अपने पिता की हत्या करके बिंबसार, जो इसका पिता था, उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, किसके द्वारा गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की ये आपको बताना है। पाटलिपुत्र किस नगर, जो नगर था वो किस नदी के तट पर था? गंगा और सोन नदी इसके तट पर था। ऑप्शन है आपके, अशोक, अजातशत्रु, उदयन या फिर घनानंद। तो निम्न में से किसने जो पाटलिपुत्र नगर है उसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर है उदयन। उदयन के शासनकाल की अगर बात करते हैं तो ये अजातशत्रु के बाद जो 461 ईसा पूर्व से जिसका शासनकाल खत्म हुआ वहां से इसने शासनकाल स्टार्ट किया और 445 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ऑप्शन है आपके, फारस 325 ईसा पूर्व, बेबीलोन 323 ईसा पूर्व, मेसिडोनिया 323 ईसा पूर्व या तक्षशिला 326 ईसा पूर्व। तो जो सिकंदर था उसकी मृत्यु कब और कहां हुई? तो इसका सही आंसर है बेबीलोन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है? मृदभांडों से रिलेटेड हमने और भी सवाल पढ़े थे पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 6 तक के वीडियोस में। हर एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको वहां पर प्रोवाइड किए गए थे। अब पार्ट 7 में सवाल आया है कि किस प्रकार का मृदभांड जो है वह भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन है आपके, गेरवे रंग का, चित्रित धूसर, काले व लाल रंग का या फिर उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड को भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है आपके, अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या कटक। बहुत ही सरल सवाल है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक ने अग्रमीज किसे कहा? यूनानी लेखकों में जो अग्रमीज का वर्णन है वो किसके लिए किया गया, किसको अग्रमीज के नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन से आपके, अजातशत्रु, अशोक, कालाशु या घनानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अग्रमीज कहा गया यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को। घनानंद जिसका शासनकाल 326 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक रहा, यह नंद वंश का द्वितीय शासक था, द्वितीय और अंतिम शासक भी यही था। अग्रमीज के नाम से इसको यूनानी लेखक संबोधित करते थे।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में, ऑप्शन है आपके, शकों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने। तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरानियों के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालिक था? मगध का वह शासक जो सिकंदर का समकालिक था, ऑप्शन है आपके, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या सुकल्प। तो मगध का वह शासक जो सिकंदर का समकालिक था वह था घनानंद। घनानंद अंतिम शासक था, क्यों? क्योंकि जो चाणक्य थे उन्होंने सिकंदर के प्रति घनानंद को सतर्क किया, लेकिन उन्होंने जो चाणक्य थे उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान किया, जिससे व्यथित होकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का शासक बनाने का निर्णय लिया था। और उसका मुख्य कारण था सिकंदर के आक्रमण से मगध को बचाना। तो जो सिकंदर के समकालिक थे वो कौन थे? घनानंद। शासनकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल, बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? बिंबसार, ऑप्शन है आपके, अवंती के राजा, ऑप्शन बी वैशाली के राजा, ऑप्शन सी कौशल के राजा या ऑप्शन डी अंग के राजा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अवंती के राजा। बिंबसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसको उन्होंने अवंती के राजा जो चंद्र प्रघोत थे उनके लिए उनकी सेवा में भेजा था, और जीवक को बुद्ध की सेवा के लिए भी बिंबसार ने भेजा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा सकता है। और जो अवंती के राजा थे चंड प्रघोत, उनको पांडु रोग हुआ था और उसी से मुक्ति दिलाने के लिए जीवक को बिंबसार ने भेजा था, क्योंकि अवंती के राजा से बिंबसार के बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बिंबसार जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शासनकाल की अगर बात करते हैं तो हर्यवंश का पहला शासक था, और शासनकाल था इसका 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगले सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल है, किस मगध शासक ने अंग को जीतकर मगध में मिलाया? ऑप्शन है आपके, बिंबसार, अशोक, कालाशोक या उदय। तो किस मगध शासक ने अंग को जीता और मगध में मिलाया? तो इसका सही आंसर है बिंबसार। बिंबसार के बारे में डिटेल अभी हमने समझी है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ नहीं आया था? इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ नहीं आया था। ऑप्शन है आपके, निर्याकश, एनासिक्रितिस या टी ता पढ़ेंगे इसको, ता लिखा हुआ है, ठीक है, एनासिक्रितिस, एरिस्टोबुलस या हेरोटोडस। तो निम्न में से कौन सा इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? इसका तो सही आंसर है हेरोटोडस, यह सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी ऊपर के जो तीन है, निर्याकस, अरिस्टोबुलस और एनासिक्रितिस, ये तीनों ही सिकंदर के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, धनी व्यक्ति, धनी किसान, धनी व्यापारी या गरीब किसान। तो गृहपति का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है धनी किसान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन है मौर्य के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, नंद के द्वारा या गुप्त के द्वारा। किस वंश के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी वंश के द्वारा। अगला सवाल है, किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? काकवर्ण किसका उपनाम है? ऑप्शन है आपके, शिशुनाग, घनानंद, कालाशोक या नंदीवर्धन। तो किस शासक को काकवर्ण कहा जाता है? तो इसके सही आंसर कालाशोक। कालाशोक के बारे में हम डिटेल समझेंगे अगर।
काला अशोक शिशुनाग वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। इसके काल में ही जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं काला अशोक के बारे में। आगे बढ़ेंगे, काला अशोक का जो उपनाम था वो काकवर्ण था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर व पोरस के सेना का आमना सामना किस नदी के तट पर हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल। ऑप्शन है आपके रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या चेनाव नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है झेलम नदी, ऑप्शन बी। सिकंदर और पोरस की सेना का आमना सामना झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो पाली ग्रंथ है उनमें गांव के मुखिया को किस नाम से संबोधित करते हैं। ऑप्शन है आपके ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या फिर ऑप्शन डी ग्रामपति। तो इसका जो सही आंसर है, पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया भोजक कहलाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके महापद नंद, कालाशोक, घनानंद या चंद्रगुप्त। तो देखिए कालाशोक की अभी हमने बात की, ये शिशुनाग वंश का द्वितीय शासक था, काकवर्ण उपनाम था। 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इसकी जो कालक्रम था जिसका जो वो रहा। बात करते हैं घनानंद की, घनानंद अंतिम शासक था जो नंद वंश है उसका। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। बचा कौन, महापदनंद। तो महापदनंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसको 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की इसने स्थापना की और राजगद्दी मिली। और इसने क्या किया कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंचाई के बारे में पूछे जाते हैं, कलिंग में इसने सिंचाई हेतु नहरें बनवाई। साथ ही साथ इसको पुराणों में क्या कहते हैं, महापद नंद को, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। तो पुराणों में नंद वंश के राजा जो थे वो शूद्र थे और महापद नंद सबसे प्रतापी था, जिसने अनेक क्षत्रियों को विजित किया था, ठीक है। तो कई बार वंश की भी बात पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो पुराणों के अनुसार नंद वंश शूद्र थे और जो महापद नंद था सबसे प्रतापी था, क्योंकि नंद वंश में दो ही शासक हुए, सबसे प्रतापी महापद नंद था और इसने कई क्षत्रियों को जीता था। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन है आपके 263 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 236 ईसा पूर्व। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी, ऑप्शन है आपके राजगृह, सेकंड ऑप्शन पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजगृह। अगला सवाल है, 16 जनपद की सूची किसमें उपलब्ध है। 16 जनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। ऑप्शन है आपके महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय से। जो 16 जनपद है उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में माना जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ऑप्शन से आपके चौथी ईसा पूर्व, पांचवी ईसा पूर्व, छठी ईसा पूर्व या सातवें ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है छठी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत का कुछ अंश अपने अधीन किया वो कौन था। तो सबसे पहले देखिए, ईरानियों ने आक्रमण किया ये हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चंस में, तो वह ईरानी शासक कौन था जिसने भारत का कुछ अंश अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन है आपके साइरस, कॉम्बिसिस,
डेरियस या जर्सिस। इसका जो सही आंसर है वो है डेरियस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को जीता था। अगला सवाल है, भारत में सिक्कों का प्रथम प्रचलन कब हुआ? जो सिक्के चले भारत में वो प्रथम प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है आपके अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो भारत में सिक्कों का प्रथम प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा वो है, किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है कपिलवस्तु में, मगध में, कुशीनगर में या वैशाली में। वो राज्य जहां पर गणतंत्र व्यवस्था स्थापित नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मगध। अगला सवाल हमारा, किस का उपनाम उग्रसेन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम उग्रसेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके महापदनंद, घनानंद, अशोक या उदयन। तो इसका जो सही आंसर है वो है महापदनंद। महापदनंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, अभी हमने पढ़ा। अगले सवाल पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी मगध की राजधानी नहीं रही है? बहुत ही सरल सवाल है, अगर आपको इसमें गेस करना है तो बहुत आसानी से आप गेस भी कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, राजग्रह, वैशाली या गिरिब्रज। तो निम्न में से कौन सी मगध की राजधानी नहीं रही है? तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही है। अगला सवाल हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे, पार्ट 8 में हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के वीडियोज अगर आपने मिस किए हैं तो लिंक आपको कहां मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के आप वहां से सारे वीडियोज देख सकते हैं। अभी तक आपको लगभग 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा चुके हैं, इतने इंपॉर्टेंट, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज नहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।